अभिनेता अक्षय कुमार की मूवी भूत बंगले के मोशन पोस्टर को उनके जन्मदिन पे रिलीज होते ही फैंस ने अभिनेता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अक्षय कुमार जनता के बीच उनकी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए काफी पॉपुलर हैं, लेकिन देखा जाए तो बीते सालों में उनकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। एक समय था जब अक्षय के फिल्म में एड करने से ही बॉक्स ऑफिस सक्सेस का आश्वासन निर्माताओं को मिल जाता था, तो क्यों अब जनता के बीच अक्षय की मूवीज को लेके कोई उत्सुकता ही नहीं बची। नमस्कार, मैं आयुष मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है चलिए चर्चा करते हैं, जहां आज हम चर्चा करेंगे क्यों अक्षय कुमार की मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से पिट रही हैं और क्या वे कभी दोबारा दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। देखा जाए तो लॉकडाउन से पहले अक्षय की मूवीज थिएटर्स में अच्छा बिजनेस कर रही थी, जहां उनकी एवरेज से एवरेज मूवी कम से कम 200 करोड़ की कमाई करने में सक्षम थी। वही लॉकडाउन के बाद 50 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन भी उनकी मूवीज के लिए कमाना बड़ी बात है। लॉकडाउन में उनकी मूवी लक्ष्मी ओटीटी पर रिलीज हुई और ठीक एक साल बाद सूर्यवंशी थिएटर्स में रिलीज होते ही दर्शकों को थिएटर तक वापस लाने के लिए कामयाब हुई। पर साल 2022 में अक्षय कुमार की मूवीज जो पिटना शुरू होती हैं, यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। फिल्म किसी भी जॉनरा की हो, मगर अक्षय का नाम जुड़ते ही कोई रुचि ही नहीं बचती जनता के बीच थिएटर तक जाने की। इस बात की मुख्यतः दो वजह हो सकती है। पहली, अक्षय कुछ अलग और हटके मूवीज लाने में असमर्थ दिख रहे हैं, साथ ही वे हर साल 4 से 5 मूवीज लाते हैं जिसके कारण उनकी सिनेमा घरों में देखने जाने की एक्सक्लूसिविटी खत्म सी हो गई है। दूसरी वजह है कि उनके कंटेम्प्रेरी कलाकार जैसे आमिर खान और रणवीर कपूर किरदार में ढलने के लिए समय लेते हैं, वही अक्षय 40 दिन में शूट कंप्लीट करके दूसरी फिल्म का शूट स्टार्ट भी कर देते हैं। सीक्वल्स का जमाना है तो अक्षय भी अपनी सक्सेसफुल फिल्म जैसे कि जॉली एलएलबी, वेलकम और हाउसफुल के सीक्वल्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर रूल करने का प्लान कर रहे हैं और साथ ही भूल भुलैया के डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ अपनी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगले को लेके सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए रेडी हैं। तो इस बात को देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 साल अक्षय कुमार के लिए कैसे साबित होते हैं। तो ये थी अक्षय कुमार के करियर की बात। अब बारी है आपके कमेंट करने की। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप अक्षय कुमार की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। लौटूंगा फिर चटपटी चर्चा को लेके। देखते रहिए वी युवा न्यूज़।